हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एकल दिशा स्लैब का अभिकल्पन और इनके डिजाइन स्टेप्स को सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके डिजाइन स्टेप। इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है इनकी मोटाई। तो अगर मोटाई आपको नहीं दी गई है तो मोटाई याद करने के भी कुछ हमारे तरीके होते हैं। जैसे देखिए, स्लैब की उपयुक्त मोटाई का मान पहले लेना पड़ता है हमें। इसके लिए क्या करते हैं, अगर देखिए हमारा जो संवितरित भार, अगर हमारे इस स्लैब पर संवितरित भार अगर हमारा 5000 N/m² आ रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 cm/m² पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये 10000 N/m² के भार के लिए हमारा जो माना जाता है वो 6 cm माना जाता है प्रति मीटर पार्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी मोटाई ज्ञात कर लेते हैं। मोटाई ज्ञात होने के बाद हमें जो समांतर स्लैब की जो हम चौड़ाई यूज़ करते हैं हमारा होता है 1000 mm। ठीक है, 1000 mm मतलब हमारा यहाँ से 1 मीटर हम इसकी जो हमारा स्लैब होता है इसकी हम पट्टी लेते हुए मानते हैं, इसके अभिकल्पन जो करते हैं। इस प्रकार से देखिए हमारा स्लैब B = हमारा यहाँ से हो जाए 1000 mm। तो हमें यहाँ से मोटा इसकी जो चौड़ाई में भी ज्ञात हो गई। तो हमें फिर ज्ञात करना होता है, हमारा सेकंड स्टेप आता है इसमें पार्ट ज्ञात करने के लिए। देखिए पार्ट ज्ञात करने के बाद जो फार्मूला होता है प्रभावी पार्ट L = शुद्ध पार्ट प्लस स्लैब की प्रभावी गहराई। तो प्रभावी गहराई जो उसकी मोटाई है हमारी प्रभावी गहराई होती है स्लैब की। तो वहाँ से हम इसको पहले स्लैब का जो यहाँ से हम इसकी मोटाई ज्ञात कर लेंगे तो प्रभावी मोटाई यहाँ से तुम्हारी प्रभावी गहराई हो जाएगी। प्रभावी गहराई प्लस शुद्ध पार्ट, तो शुद्ध पार्ट यहाँ से हमारा प्रभावी पार्ट ज्ञात हो जाएगा। तो एक ही तरीका होता है ज्ञात करने का प्रभावी पार्ट। फिर यहाँ से होता है अलम्बों के मध्य से मध्य की दूरी। दो अलम्बों के मध्य जो हमारा पार्ट होगा उनके बीच की हमें दूरी ज्ञात, उनके अलम्बों के बीच से बीच की हमारी दूरी ज्ञात कर लेनी होगी। फिर अब इन दोनों में जो हमारा न्यूनतम होगा वो हमारा प्रभावी पार्ट होगा। ठीक है, तो उसी पार्ट को हम लेते हैं। फिर मान लीजिए स्लैब में हमारा जो भार आ रहा है तो हमारा थर्ड स्टेप होता है भार ज्ञात करना। तो पहला जो हमारे इसमें ज्ञात करना होता है अधिरोपित भार, कि हमारे स्लैब पे हमें कितना भार लग रहा है, 5000 N 10000 N कितना भार है, उस भार को पहले हम लिखते हैं। फिर हमारा फर्श की संपूर्ति का भार, जैसे मान लीजिए हमारा अगर मान लीजिए फर्श है, स्लैब पे कोई फर्श पड़ा हुआ है, तो अगर मान लीजिए हमारा 40 mm अगर LC का लाइन कंक्रीट हमारा स्लैब है तो उसका जो भार है तो उसका पहले लोड ज्ञात करेंगे। फिर इसका स्वयं का भार, तो स्लैब का स्वयं का भार भी हमें ज्ञात करना होता है, स्वयं का भार ज्ञात कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप अधिकतम बंकन आघूर्ण BM। अधिकतम बंकन आघूर्ण ज्ञात करने, देखिए क्या होता है, अगर संवितरित भार के लिए एक पार्ट वाली शुद्ध लंबी स्लैब के लिए जो हमारा अधिकतम बंकन आघूर्ण होता है W² / 8, तो यहाँ से W² / 8 से हम यहाँ से अपना बंकन आघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं। बंकन आघूर्ण ज्ञात हो जाने के बाद हमें स्लैब की मोटाई ज्ञात करनी होती है। इसके लिए देखिए हमारा फार्मूला होता है D = √MRQ×B, जहाँ Q बराबर होता है 0.85, जब ये σCV = 5, σST = 140 और m = 18। ठीक है, तथा Q बराबर 0.64 भी होता है जब σCV = 5 और यहाँ से σST = 230 N/m² रहता है तथा m = 18। ये हमने कई बार आपको अपने पिछले वीडियो में बनाया है तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। अब याद कर लीजिए, इससे आपके क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से लग जाएंगे। फिर देखिए यहाँ से आपका आ जाता है B = स्लैब की पट्टी की चौड़ाई। जो हमारा B है यहाँ से, जो हमें B यहाँ पर लिखा गया है, हमारा B बराबर होता है स्लैब की पट्टी की चौड़ाई। हमने पीछे भी बताया कि स्लैब की पट्टी चौड़ाई हमने समानता 1000 mm मानते हैं, तो 1000 mm B = यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा डेप्थ ज्ञात हो जाएगा, जो हमारे स्लैब की मोटाई में ज्ञात हुई। स्लैब की मोटाई ज्ञात होने बाद, क्योंकि स्लैब है, स्लैब में दो इस्पात होता है, प्रबलन इस्पात होता है और एक वितरण इस्पात होता है। तो प्रबलन इस्पात ज्ञात करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, आप देखिए यहाँ से, तो हमारा प्रबलन इस्पात ज्ञात करने के पहले हमें तनन इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तनन इस्पात का क्षेत्रफल होता है ST होता है MR/σST×Z। तो यहाँ से देखिए हम ST फाइंड कर लेंगे। फिर हमें उपयुक्त व्यास का चुनाव करके छड़ों का अंतराल, देखिए वहाँ हम क्या ज्ञात करते थे, यहाँ से हमें छड़ों का अंतराल ज्ञात करना। ठीक है, तो छड़ों का अंतराल S = वहाँ पर हम संख्या ज्ञात करते हैं, इससे पीछे जो हमारे जितने भी थे तो उसमें हम संख्या ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें अंतराल ज्ञात करना है, तो अंतराल = हो जाएगा एक क्षण का क्षेत्रफल, एक जो क्षण का क्षेत्रफल जो हम यहाँ पर जो क्षण ले रहे हैं इस व्यास का, जो हमारा क्षण है, छड़ के व्यास का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो एक क्षण का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, एक क्षण का क्षेत्रफल (1000) कर लेंगे, 1000 / कुल क्षेत्रफल हमारा यहाँ से AST हो जाएगा। AST से यहाँ से इस फार्मूला हो जाएगा AT × 1000 / AST, इससे हमें छड़ों का अंतराल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो छड़ों का अंतराल, इस प्रकार से हमारा प्रबलन इस्पात यहाँ से, प्रबलन इस्पात ज्ञात करने के बाद हमें जो हमारा सातवां स्टेप आता है वो वितरण इस्पात है। तो हमें वितरण इस्पात ज्ञात करना होता है, वितरण इस्पात ज्ञात करने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है ST = 0.15 × स्लैब की पट्टी का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल / 100 कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि जो होता है 0.15% होता है, तो परसेंट बराबर होता है 1/100, वहाँ से आप चेंज करोगे आपको हो जाएगा। तो इसके लिए ले लेते हैं हमारा ST = 0.15/100 × देखिए यहाँ से अनुप्रस्थ पट्टी क्षेत्रफल जो होगा 1000 × D। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लगा के निकाल सकते हो। और फिर देखिए अगर आपका टोर छड़ों के लिए, जो हमारा टोर छड़ होता है, टोर छड़ों के हमारे जो क्षेत्रफल होता है पट्टी के क्षेत्रफल, वो 0.12% लेते हैं। ठीक है, 0.12% लेते हैं। अब इसके नहीं तो समानता के लिए अगर टोर छड़ नहीं है तो इनके लिए 0.15% लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वितरण इस्पात के क्षेत्रफल के हमें उपयुक्त व्यास माना होता है। देखिए अगर किसी का भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं
तो एक क्षण मानेंगे उसका एक उपयुक्त व्यास का क्षण मानते हैं, फिर उसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, तो उस क्षेत्रफल से फिर हमें क्षणों का अंतराल ज्ञात करना होता है। तो देखिए अंतराल यस इजुगल टू यहाँ से हो जाएगा 80 जो हमने यहाँ पर क्षण माना है, जिस व्यास का क्षण माना है उसका क्षेत्रफल निकाल के एक क्षण का क्षेत्रफल गुड़े यहाँ से 1000 अपान ASD कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्षणों का अंतराल ज्ञात हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए हमें कर्तन तथा विकास की लंबाई की जांच करनी होती है। हमने अपने पिछले वीडियो में कई बार बताया, तो मैंने वहां पर दिखा दिया कि कर्तन और विकास की लंबाई की जांच आप वहां से जाके कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा जो है एकलसी स्लैब का अभिकल्पन पूरा होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।